दरियाए नीलम और जेहलम के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आपने इन दोनों दरियाओं का संगम पॉइंट देखा है? वादी कश्मीर का कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद का ये संगम पॉइंट, जिसे डुमेल कहते हैं, दरियाए नीलम का एंड पॉइंट है। इन दोनों ही दरियाओं का आगाज इंडियन कश्मीर से होता है। दरियाए नीलम का आगाज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, जबकि गांदरबल के जुनूब मशरक में मौजूद जिला अनंतनाग से दरियाए जेहलम का आगाज होता है। बॉर्डर पार दरियाए नीलम को किशन गंगा के नाम से जाना जाता है। दरियाए नीलम की कुल लंबाई 245 किलोमीटर है। इंडियन कश्मीर में यह दरिया 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तुलैल वैली और फिर वादी गिरीज से होता हुआ पाक कश्मीर के बॉर्डर विलेज ताऊबट से यह दरिया वादी नीलम में दाखिल होता है और दरियाए नीलम कहलाता है। पहाड़ों, तंग रास्तों और वादी नीलम के खूबसूरत तरीन मकामात ताऊबट, हिलमत, केल, शारदा, अटमकाम, एलओसी पॉइंट, केरन से होता हुआ मुजफ्फराबाद के इलाके डुमेल के मकाम पर यह दरिया अपने आप को दरियाए जेहलम के सुपुर्द कर देता है। दरियाए जेहलम पंजाब के पांच दरियाओं में सबसे बड़ा और दरियाए सिंध का मावन दरिया है, जिसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। दरियाए जेहलम को इंडियन कश्मीर में दरियाए जेहलम ही कहा जाता है। पीर पंजाल रेंज के दामन से शुरू होकर श्रीनगर और वेलर झील से होता हुआ एलओसी बॉर्डर विलेज चकोटी से ये दरिया जेहलम वैली में दाखिल हो जाता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुजफ्फराबाद। सो जी, अभी सुबह के ना 5:30 हुए हैं और 5 बजे पूरी वादी में सफ़ेदी हो गई थी। मतलब रात भी जल्दी हो जाती है तो सुबह भी जल्दी हो गई थी। तो जी, अभी दरिया पे जाने के लिए निकले हैं और ये यहाँ से होटल के बेसमेंट से रास्ता है, वहीं पर जा रहे हैं। चलें, आपको दरियाए नीलम और दरियाए जेहलम पास से दिखाती हूँ। तो जी, बेसमेंट का रास्ता ख़त्म हो गया है और एक छोटी सी पगडंडी जा रही है नीचे। चलें, वहाँ चलते हैं। अभी सुबह उठे हैं तो सबसे पहली एक्टिविटी यही कर रहे हैं कि नीचे जाके दरिया पे बैठे हैं। रात में तो मौका नहीं मिल सका था, तो अभी चलें। मैं आपको ना, एक तो ये मेरे पीछे देखिए वादी, और अब चले मैं आपको दिखाती हूँ नीचे दरियाए नीलम, दरियाए जेहलम, जहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, जहाँ पर मिलते हैं। मैं दो दरियाओं के संगम पर बैठी हूँ और ये मुजफ्फराबाद का इलाका है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये दरियाए नीलम है, और अभी हम लोग नीचे गए थे दरियाए जेहलम पे, जहाँ पर यहाँ से दरियाए नीलम जा रहा है और वहाँ से दरियाए जेहलम आ रहा है। दोनों मर्ज होकर फिर साथ आगे बढ़ते हैं। सो वहाँ के भी खूबसूरत जो ड्रोन फोटेजेस हम लोगों ने बनाए वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए। बस अभी यहाँ पर एक जगह पर आ गए हैं नाश्ते के लिए। ये मुजफ्फराबाद डुमेल का इलाका कहलाता है, और डुमेल इसीलिए कहलाता है कि दो दरिया यहाँ पर मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर मिलते हैं। जी, यहाँ पर नाश्ता हो गया है हमारा, और आज के जो टारगेट है हमारा वो है, हम जाएंगे मुजफ्फराबाद से कुटन वैली, लेकिन बीच में बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट है, उसमें धानी वाटरफॉल है और नीलम जेहलम डैम है, और जो तीसरा हमारा आज का पॉइंट है वो है कुंडलशाही वाटरफॉल। सो वो भी कवर करेंगे,
आज मुजफ्फराबाद से हम लोग सफ़र स्टार्ट करने से पहले दो काम करेंगे, दो नहीं तीन काम करने हैं। एक तो पेट्रोल रिफ़िल करवाना है, तीसरा हमें यहाँ पर एस्कॉम की सिम लेनी है। कश्मीर की बहुत मशहूर दो खाने की चीज़ें हैं, उसमें है कुलचा और नान खताई। तो वो बताया हमें कि आगे ही तंदूर है, वो हम तंदूर में जाएंगे और वहाँ से लेंगे। और जे क्योंकि पेट्रोल और एस्कॉम की जो सिम है वो यहीं मुजफ्फराबाद से ही इजीली मिल जाएगी। आगे जितना चला जाते जाएंगे ना, तो वहाँ से फिर ना मुश्किल होता चला जाएगा कि जी मिले नहीं मिले। तो ये बड़ा शहर है, यहाँ से ले लेंगे। और जी आ गई है मेरी यहाँ पर कश्मीरी चाय, गुलाबी चाय। अच्छा, ये कश्मीरी चाय नमकीन में भी होती है और मीठी में भी होती है। मैंने खैर अभी ये मीठी में ऑर्डर की है। जो नमकीन चाय होती है, मकामी लोग उसे नून चाय बोलते हैं। नून मतलब नमक वाली नमकीन चाय। तो जनाब ये दिखा दूँ, ये रोड आ रहा है मुजफ्फराबाद से और यहाँ पर ये होटल, यहाँ हम लोगों ने स्टे किया था। ठीक है, ये है संगम होटल एंड रेस्टोरेंट भी है। अच्छा, और बराबर में ही बैंक है। सर ब्रांड यहीं पर है, बैंक्स यहीं पर हैं। और उधर टॉप पे जो है वो पीसी मुजफ्फराबाद है। कश्मीर मुजफ्फराबाद के एक होटल में ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखिए तिजोरी। और एक और बात वो भी दिखाती हूँ। और एक चीज़, पूरे रूम में कहीं स्विच नहीं है, ये अलग से दोनों बेड के बीच में ना ये एक अलग से उन्होंने बॉक्स दिया है और उसमें स्विचेस लगाए हुए। ये देखिए पंखे का भी स्विच इधर ही है। ये चीज़ भी अच्छी लगी। और ये कार्ड सिस्टम हुआ करता होगा जब ये होटल बना था, क्योंकि इंसर्ट कार्ड टू गेन पावर, इसमें जब तक कार्ड नहीं लगेगा कमरे की जो लाइट्स हैं वो ऑन नहीं होती होंगी। तो ये सिस्टम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज़ और ये देखिए, ये मैं डोरबेल बजा रही हूँ। ये जी डोरबेल बजा के आप दरवाज़ा नॉक करके फिर अंदर जाएंगे, क्योंकि जब भी आ रहे थे पानी देने के लिए या कोई चीज़ मैट्रेस वगैरह देने के लिए, तो वो डोर बेल बजा के ही फिर पानी, जब हम डोर ओपन करते थे फिर वो हमें कोई चीज़ देते थे। मुजफ्फराबाद से रवाना हो रहे हैं और अगर एक मॉम है, एक जिम्मेदार मॉम है आप, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी होती है। तो जी चलें, आज का टारगेट है वो अचीव करते हैं। तो पहले पीओ से पंप आ गया था तो पेट्रोल के लिए यहाँ रुक गए थे, क्योंकि हमें कार्ड से पेमेंट करनी थी। सिम के लिए हमने दो जगह मालूम किया तो अभी तक हमें सिम तो नहीं मिली है। चलें आगे चलें, डेफिनेटली कहीं तो मिल ही जाएगी सिम। फाइनली सिम शॉप मिल गई है और काफ़ी देर से भाई साहब और नुसरत गए हुए हैं सिम लेने के लिए, तो टाइम तो लगेगा, एक्टिवेट भी करवाएंगे और जी सिम सेट भी होगी, तो ये दोनों काम हो जाएंगे तो यहाँ से रवाना होंगे।
तो मुजफ्फराबाद से चलने के बाद अभी हम लोगों ने सबसे पहला स्टॉप लिया है ये नीलम जहलम डैम पे, और बीच में एक थानी वाटरफॉल भी आया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर स्टॉप नहीं लिया था क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही थी। सो यही सोचा है कि जब वापस यहाँ से जाएंगे तो जब वहाँ थोड़ी देर के लिए स्टे कर लेंगे। अच्छा, एक बात और बतानी थी जो कि मैं भूल गई थी कि हम लोगों ने लेना था मुजफ्फराबाद से कुलचा, लेकिन फिर यही सोचा गया कि नहीं, चले हम जब वापस आएंगे मुजफ्फराबाद से तो घर वालों के लिए फिर वो एक यहाँ की यादगार लेकर चलेंगे। सो जी, ये चेक पोस्ट आ गई है और इस पर फिर वही CNIC वगैरह चेक हो रहा है। चेक पोस्ट पे ये कितने 100 रुपये की स्लिप बन रही है, 100 रुपये लिए और स्लिप बना दी।